हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जो के यूट्यूब चैनल पर आज सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित बहुत बड़े अपडेट के बारे में। यहाँ पे आज के अखबार में क्या है, एक साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए। तो इसके अंदर आप सोचेंगे कि इसके अंदर नया क्या है, सफाई कर्मचारी का जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो तो पहले भी मांगा था, तो इसके अंदर नया है निकाय या ठेकेदारों का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जो निकाय के अंदर जो ठेकेदार है वो जो प्रमाण पत्र देंगे वही प्रमाण पत्र मान्य होगा जो आपने स्कूल से या फिर किसी हॉस्पिटल से अस्पताल से बनवाया है कि मैंने यहाँ पे एक साल या दो साल तक काम किया है, ये अनुभव प्रमाण पत्र है, वो मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, निकाय और ठेकेदार क्या करेंगे, यहाँ पर जो उनके नीचे काम करती है उनको ये अनुभव और प्रमाण पत्र देंगे तो वो वहाँ से धांधली भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो दोस्तों, सभी के ये निकाय या ठेकेदार तो है नहीं, ये तो है नहीं कि निकाय और ठेकेदारों के नीचे सभी ने काम किया लेबर ने। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो अस्पताल के अंदर काम करते हैं, कुछ स्कूलों के अंदर भी काम करते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, उनके साथ सरकार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे जो अपडेट क्या निकल कर आता है या परसों, उसकी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दे और मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।